वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आर के इलेक्ट्रिकल्स पर। आज एक नए टॉपिक के साथ हम देखेंगे कि मेन बोर्ड को इन्वर्टर कनेक्शन कैसे देते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। ये हमारा एक स्विच बोर्ड है, जो स्विच बोर्ड में कि दोस्तों 3 स्विच दिया हुआ है लाइट के लिए और एक स्विच दिया हुआ है ये सॉकेट के लिए। तो दोस्तों इसमें कनेक्शन कैसे हुआ है आपको दिखाते हैं। ये देखिए पहले बोर्ड में हमारा फेज आ गया और चारों के चारों स्विच के नीचे वाले पॉइंट में शॉर्ट हो गया है, यानी चार स्विच में हमारा फेज सप्लाई आ गया। तो इसके बाद यहाँ स्विच से जो आउटपुट जाएगा ये लाइन के लिए चला गया और इस स्विच से जो सॉकेट के लिए फेज यहाँ आ गया और सॉकेट में न्यूट्रल इधर से आ गया। तो दोस्तों अभी हम यहाँ एक लाइट और एक सॉकेट के लिए इन्वर्टर का कनेक्शन देंगे। तो इन्वर्टर का कनेक्शन देंगे तो कैसे देंगे दोस्तों? इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है उसमें से हमें सिर्फ फेज को ही लाना है दोस्तों। देखिए ये हमारा इन्वर्टर का फेज इधर से आ गया, ठीक है। तो उसको कनेक्शन कहाँ करें? इसको यहाँ से कनेक्शन कर देंगे तो अभी डबल फेज हो जाएगा। ये एक फेज सप्लाई आया है और ये एक फेज होगा, तो डबल फेज हो जाएगा। इसलिए हमें पहले क्या करना है दोस्तों, ये जो हमारा पॉइंट को शॉर्ट किया हुआ था उसको यहाँ से डिसकनेक्ट कर लेना है। तो अभी क्या हुआ, ये जो फेज सप्लाई आया था ये दोनों के लिए आएगा जो कि डायरेक्ट लाइन में रहेगा, और ये इन्वर्टर का सप्लाई यहाँ कनेक्ट हो गया। तो ये वाला लाइट और ये वाला सॉकेट अभी इन्वर्टर का कनेक्शन में रह गया है। तो इससे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, सर्किट को चेक करना है कि यहाँ फेज है और यहाँ न्यूट्रल है, नहीं तो हमारा सर्किट डबल फेज भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर फेज हमारा स्विच में है, न्यूट्रल उस तरफ सर्किट में डायरेक्ट गया हुआ है, तो अभी हम ये फेज को डिस्कनेक्ट करके इसमें इन्वर्टर का सप्लाई दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करिए। ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।